मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट के बारे में बात करेंगे या फिर व्हीलिंग स्पीड ऑफ शाफ्ट के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कि क्रिटिकल स्पीड आखिर क्या होती है, क्यों हमें क्रिटिकल स्पीड से बच के रहना चाहिए, और एक पावर प्लांट में टर्बाइन में भी एक शाफ्ट रहता है, तो एक पावर प्लांट में टर्बाइन में क्रिटिकल स्पीड से बचने के लिए क्या किया जाता है। क्रिटिकल स्पीड का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक शाफ्ट को बहुत से मशीन एलिमेंट्स को काम में लेने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता है, जैसे कि गियर्स, पुलीज वगैरह वगैरह। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, कभी कभी शाफ्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी रहते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने के कारण या फिर गियर या फिर कोई पुली शाफ्ट में इंस्टॉल कर देने के कारण जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कॉन्साइड नहीं करती है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हट जाती है। और ये होता है शाफ्ट में डिफेक्ट के कारण या फिर कुछ एक्स्ट्रा मास शाफ्ट में ऐड कर देने के कारण, जैसे कि गियर्स पुली जो कि बैलेंस नहीं है, इस कारण से ऐसा हो जाता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी हट जाती है, सब जाती है, जिसके कारण पूरा शाफ्ट अनबैलेंस हो जाता है। अब क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस ऑफ रोटेशन से खिसक गई है, जिसके कारण जब यह शाफ्ट रोटेट करना चालू होता है तो यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ज्यादा खिसकना चालू कर देती है, यानी कि यह अपना डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से और ज्यादा बढ़ाने लगती है, जिससे कि शाफ्ट में और ज्यादा डिफ्लेक्शन आने लगता है। और भाई लोग, जैसा कि हम जानते हैं, जब कोई डिफ्लेक्टेड शाफ्ट रोटेट करता है तो वाइब्रेशंस होते हैं। क्रिटिकल स्पीड या व्हीलिंग स्पीड वह स्पीड है जहां पे यह वाइब्रेशंस मैक्सिमम हो जाते हैं। जी हाँ भाई लोग, क्रिटिकल स्पीड या व्हीलिंग स्पीड में वाइब्रेशंस शाफ्ट में मैक्सिमम रहते हैं, और ये इतने ज्यादा रहते हैं कि ये शाफ्ट को तोड़ भी सकते हैं। और इसका कारण सिर्फ यही रहता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है शाफ्ट की, वह एक्सिस ऑफ रोटेशन से कॉन्साइड नहीं कर रही है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर नहीं है, वह खिसक गई है। और शाफ्ट जैसे जैसे और रोटेट करता है, यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस ऑफ रोटेशन से और दूर जाते जाती है, और वाइब्रेशन और इंक्रीज होते जाते हैं, डिफ्लेक्शन बढ़ते जाता है, और एट द एंड वह शाफ्ट फेल हो जाता है। तो क्रिटिकल स्पीड या व्हीलिंग स्पीड वह स्पीड होती है जहां पे यह वाइब्रेशन की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। अब हम जैसा कि जानते हैं, जब कोई चीज रोटेट करती है तो दोनों तरीके के फोर्स उसमें लगते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है। तो एक शाफ्ट जब रोटेट कर रहा है और उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस ऑफ रोटेशन में कॉन्साइड नहीं कर रही है, तो इस केस में भी यहाँ पे दोनों फोर्सेस सामने में आएंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर रहते हैं, तो अगर आप इन दोनों को बराबर करेंगे तब आपको एक इक्वेशन मिलेगा। यह इक्वेशन आप मेरे बगल में देख सकते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन एकदम इजी है, आप मेरे बगल में इसे देख के समझ सकते हैं। तो भाई लोग, इससे हमको एक इक्वेशन मिलेगा डिफ्लेक्शन का, जो वाई है वह हमें डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो इससे हमको एक डिफ्लेक्शन का एक इक्वेशन मिल जाएगा। और इस इक्वेशन में आप ओमेगा और ओमेगा एन देख सकते हैं, जहां पे जो ओमेगा है वह स्पीड है रेडियन पर सेकंड में, और ओमेगा एन जो है वह क्रिटिकल स्पीड है रेडियन पर सेकंड में। और जब आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा एन से कम रहेगी, वाई की वैल्यू जो है वह पॉजिटिव रहेगी, लेकिन जैसे ही ओमेगा की वैल्यू ओमेगा एन के बराबर हो जाएगी तब y की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब वहां पे डिफ्लेक्शन इंफिनिटी हो जाएगा, और यही होता है मैक्सिमम वाइब्रेशन, और यहीं पे शाफ्ट ब्रेक करता है, यही है क्रिटिकल स्पीड, यानी कि ओमेगा ओमेगा n के बराबर हो गया है। और उसके बाद फर्दर आप ओमेगा को ओमेगा n से बढ़ाएंगे और इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि y की वैल्यू सट से नेगेटिव हो गई है और अब डिफ्लेक्शन कम होना चालू हो गया है। तो जैसे ही क्रिटिकल स्पीड से हम शाफ्ट की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं,
स्ट्रेस रिवर्सल हमको देखने को मिलता है, स्ट्रेस डायरेक्ट रिवर्स हो जाता है, जो डिफ्लेक्शन रहता है वो डायरेक्ट रिवर्स हो जाता है और फिर वह धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए हम लोग क्रिटिकल स्पीड को अवॉइड करते हैं। जब भी हम कोई शाफ्ट को रोटेट कराते हैं या फिर कभी भी कोई मशीन ऐसी चल रही है जिसमें कोई शाफ्ट है वह रोटेट कर रहा है, तो हम जल्दी से जल्दी उसकी क्रिटिकल स्पीड को बाईपास कर देना चाहते हैं कि ये जो मैक्सिमम वाइब्रेशन वाली स्टेज आए, यह आए भी तो बहुत ही कम समय के लिए आए और जल्दी से आके पास हो जाए, जिससे कि हमारे शाफ्ट को ज्यादा नुकसान ना हो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक पावर प्लांट में जो टर्बाइन रहती है वह भी एक प्रकार से शाफ्ट ही रहता है जिसमें कुछ ब्लेड्स लगे रहते हैं और इस शाफ्ट की भी क्रिटिकल स्पीड होती है। इसलिए हम जब भी टर्बाइन को स्टार्ट करते हैं तो हम क्रिटिकल स्पीड को जल्दी से जल्दी बाईपास कर देने की कोशिश करते हैं। टर्बाइन के स्पीड को क्रिटिकल स्पीड से ज्यादा रखने की हमेशा कोशिश करते हैं या फिर उस स्टेज तक पहुंचाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं। उसी तरह जब टर्बाइन को हम बंद करते हैं तब भी हम यही चाहते हैं कि वर्किंग स्पीड से जल्दी टर्बाइन वार्म अप स्पीड में पहुंच जाए, यानी कि 3000 RPM से जल्दी टर्बाइन का स्पीड 500 RPM तक पहुंच जाए, ताकि जो क्रिटिकल स्पीड वाला जो पोर्शन है यह बाईपास हो जाए। इसके अलावा ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी शाफ्ट की सिर्फ एक ही क्रिटिकल स्पीड है, कई क्रिटिकल स्पीड हो सकती हैं। और आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको और बताता हूँ, अगर आप किसी पावर प्लांट की टर्बाइन देखेंगे तो वह जिस कंक्रीट सेक्शन में इंस्टॉल रहती है वह कंक्रीट सेक्शन जो टीजी बिल्डिंग के दूसरा फ्लोर का कंक्रीट सेक्शन है उससे अलग रहता है, बीच में हल्का सा गैप रहता है और यह गैप इसलिए दिया जाता है ताकि वाइब्रेशंस अगर आए तो वह टीजी फ्लोर तक ट्रांसमिट ना हो पाए, पूरी टीजी बिल्डिंग में वाइब्रेशन ट्रांसमिट ना हो। इसलिए टर्बाइन जिस फ्लोर में स्टोर रहती है टीजी बिल्डिंग के और टीजी बिल्डिंग का जो बाकी फ्लोर रहता है उसके बीच में हल्का सा एक गैप दिया जाता है, यह भी एक प्रिकॉशन लिया जाता है और देखा जाता है पावर प्लांट्स में। तो भाई लोग, हम लोग ने आज क्रिटिकल स्पीड के बारे में, व्हीलिंग स्पीड के बारे में बात की, इसके इम्पोर्टेंस को जाना और जाना कि किस तरह इसको अवॉइड किया जाता है और पावर प्लांट में इससे रिलेटेड किस तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना भाई लोग, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान, जय किसान।